सर की बात बताइए, बहुजन समाज का भीमा कोरे गाँव से बहुत अटैचमेंट रहा है और बाबा साहब का भी बहुत सारा वो था, तो क्या है भीमा कोरे गाँव का और दलितों का इतिहास भीमा कोरे गाँव से? जी, भीमा कोरे गाँव एक वो जगह है जहाँ पर कि अंग्रेजी फौज ने पेशवाइयों को, पेशवाज की जो फौज थी उनको वहाँ पर रोका और वो 500 मैंने पहले बताया कि 500 वो थे सैनिक थे, वो ब्रिटिश आर्मी की फौज थी, महार रेजिमेंट नाम से उन्होंने बनाया था क्योंकि अंग्रेजों को पता था कि महार इस देश में सबसे मेहनत करने वाला है जिसको सदियों से इन्होंने सताया, पीड़ित किया है और उनको उन्होंने ट्रेंड किया, सैनिक बनाया। और ये खाली अंग्रेजों ने नहीं किया, आप देखिए इतिहास देखिए, जब भी जैसे मुग़ल आए तो उन्होंने यहाँ पर आकर के जो लोग आज मुस्लिम कन्वर्टेड हैं उन लोगों को, जो यहाँ के दलित थे जिनसे नफरत करते थे, जिनसे कॉलोनियों में घुसने नहीं देते थे, रोटी नहीं खाने देते थे, कपड़े नहीं पहनने देते थे, मंदिरों में नहीं आने देते थे, पढ़ने का हक नहीं था, प्रॉपर्टी का हक नहीं था, सताए हुए थे, तो उन्होंने मुग़लों ने उनके पास गए, मुग़ल बादशाह उनको कहा कि आप आओ मेरे साथ बैठ के प्रार्थना करो, मेरे साथ बैठ के रोटी खाओ और लो ये ड्रेस और यहाँ फौज में भर्ती हो, उनको ट्रेनिंग किया। वो तो 500-400 हज़ार लोग आए थे, वो जो मुग़ल थे उन्होंने यहाँ पर आकर के अपनी शक्ति को बढ़ाया और सारे दलित जो वहाँ पर उस समय अछूत कहे जाते हैं अनटचेबल्स, उनको उन्होंने अपनी वहाँ कन्वर्ट किया, मुस्लिम कन्वर्ट किया, फौज में भर्ती किया और उसके बाद पूरे देश में शासन किया। और अकबर जो बादशाह अकबर थे उन्होंने तो आकर के पूरे तमाम दलितों को उन्होंने यहाँ पर अपनी फौज में रखा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक यहाँ पर इस अछूत समाज के जो अपने 6 महीने यहाँ शासन किया उन्होंने अपने वो क्या नाम है उनका, मैं भी नाम बताऊंगा याद आ जाएंगे, तो उन्होंने शासन किया है तो ऐसा नहीं है, इस देश के अछूतों को इन्होंने जान पूछ करके छल बल कपट से और ताकत के बल पे, छल बल कपट में ताकत इस्तेमाल करके उनको दबाया, उनसे शिक्षा का अधिकार छीन लिया, उनको खाने का अधिकार नहीं था, मनुस्मृति में जो है कि वो दूध नहीं खा सकते, ताज़ी सब्जियां नहीं खा सकते, वो पौष्टिक आहार नहीं ले सकते, कपड़े नहीं पहन सकते नए और 3 फुट वाली झोंपड़ियों से ज़्यादा वो रहे वहाँ बना नहीं सकते अपना घर, तो उनको रोका गया। और आज जब शिक्षा मिल रही है तो वो तो यहाँ के राजा रहे, यहाँ के मूल शासक हैं जो दलित हैं और यहाँ पर जो संस्कृति थी, जो व्यवस्था थी वो तमाम बुद्ध के यहाँ पर पूर्वज हैं, तो उनका ज्ञान सब कुछ उनके अंदर, उसको निकालना था वो बाबा साहब ने दिया। तो इतिहास ये है कि अब इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि लगातार अब जो 1857 की जो क्रांति हुई उसमें भी माता दीन बंगी और अपने तमाम झलकारी बाई और गंगू मेहतर, ये तमाम अपने रमेश जाटव जी कानपुर से, तमाम ये तमाम वो अनुसूचित जाति का हिस्सा है जिन्होंने कि पूरे 1857 के मूवमेंट को लीड किया और पूरे देश में क्रांति पैदा की, लेकिन उन्होंने हीरो बना दिया मंगल पांडे को, अभी हम नया इतिहास लेके आ रहे हैं। तो इस देश में जब भी कुर्बानी की बात आई है, जब भी इस देश को बचाने की बात आई है, इस देश का दलित जो शासक था वो इस देश पे फिर दोबारा खड़ा हुआ, क्योंकि हमारा देश है और हम इस देश को किसी भी हालत में मिटने नहीं देंगे। हाँ, ये कि एक समय आ रहा है कि अब डेमोक्रेटिक जो बाबा साहब ने वोट का हमें भीमास्त्र दिया है, अब वोट के भीमास्त्र से हम इनको चारों खाने चित करेंगे, इस देश की सत्ता पे बहुत जल्द दलित अपना कब्जा करेगा, क्योंकि खाली प्रधानमंत्री या मंत्री बनने से कुछ नहीं होगा, कैबिनेट अपनी होगी। तो हमने नारा दिया है कि भैया दलित प्रधानमंत्री और मेहनत कर सरकार 2019 में बनाएंगे, सरकार भी हमारी, कैबिनेट भी हमारा, प्रधानमंत्री भी हमारा, राष्ट्रपति भी हमारा, और फिर हम नए कानून बनाएंगे, A to Z सबके लिए काम किएंगे, जैसे बाबा साहब ने संविधान में एक एक नागरिक को अधिकार दिए हैं, उसमें किसी जाति का नाम नहीं है, उन्होंने स्पेशल अनुसूचित जातियों को दिया क्योंकि जो सदियों से सताए हुए हैं उनको ऊपर लाने के लिए एक अधिकार दिए हैं, उसके बाद महिलाएं, किसान, सबको, और तो और कि वर्कर्स के लिए उन्होंने फेयर वेजेस की बात की, लिविंग वेजेस जो आज तक लागू नहीं हुआ, मिनिमम वेजेस पे करते आए, उन्होंने लिविंग वेजेस की संविधान में बात लिखा है कि आर्टिकल 43 में कि लिविंग वेजेस मिलना चाहिए इस देश के मजदूर वर्ग को, तो उसमें कहाँ जाति का नाम है? तो इस देश में न्याय वही कर सकता है जो दबा सदियों से सताया हुआ है, जिसने फेस किया है वो यहाँ की सत्ता पे आएगा तो सबका, सबके लिए काम करेगा। अशोक जी, एक बात बताइए कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक बुद्धमय भारत की कल्पना करी थी, तो एक बुद्धमय भारत किस तरीके से बन पाएगा? देखिए, ये आपने अच्छा सवाल किया, क्योंकि जो बुद्ध ने, महात्मा बुद्ध ने कहा था धम्म का शासन होना चाहिए, स्थापित होना, दुनिया में धम्म के शासन की परिकल्पना गौतम बुद्ध की है, महात्मा बुद्ध ने सपना देखा था और उसको आगे बढ़ाया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। और वो जो धम्म का शासन है, उस धम्म का शासन में अहिंसा सबसे पहले है, प्रेम उसमें है, शांति है और सबका विकास,
ये चार पिल्लर धम्म के शासन में बुद्ध ने उस समय सुनिश्चित किए थे, और इन चारों के उलट ये मनुवादी जो व्यवस्था है ये इसको पूरी दुनिया में अशांति फैलाना चाहते हैं इस देश में, और गुलाम बनाना चाहते हैं लोगों को। तो वहाँ लोगों की आज़ादी की बात है, लोगों की खुशहाली की बात है, सबसे प्रेम की बात है, वो तो जीव तक से प्रेम करने की बात करते हैं बुद्ध। तो बुद्ध का जो धम्म का शासन है उस धम्म के शासन को लागू करने के लिए बाबा साहब ने प्रयास किए, और अब हमारी यही कोशिश है कि आज हम यहाँ पर बैठे हैं, हमारी यही कोशिश है कि उस धम्म के शासन को लागू करने के लिए, उसको स्थापित करने के लिए हम बाबा साहब और बुद्ध के सपने को साकार करने के लिए आगे बढ़ें, ये हमारा मुख्य है। किस तरीके से हो पाएगा बुद्ध में भारत को बताएं? देखिए होगा तो ये कि जब तमाम जितने भी देश के जो वंचित शोषित पीड़ित जो समाज रहा सदियों से, उसमें अनुसूचित जाति हैं, जनजातियाँ हैं, महिलाएं हैं और वर्किंग क्लास है जो मेहनत करने वाला क्लास है, ये सब और अल्पसंख्यक जो है वो सब मिलकर के जो डिप्राइव क्लासेस हैं उनको मिलके एक बहुजन विकल्प देना पड़ेगा और देश की सत्ता पे काबिज होना पड़ेगा। वो तब तक आप उसको नहीं कर सकते ना, क्योंकि जो बाबा साहब ने जो इशारा किया है संसद की ओर कि जो तमाम पावर की शक्ति की जो चाबी है संसद है, तो वहाँ से बैठ करके आप फंड्स भी रिलीज कर सकते हैं, आप वहाँ पर कानून व्यवस्था को भी कंट्रोल कर सकते हैं, आर्मी आपके पास है, बजट आपके पास है, पूरा सिस्टम आपके पास है। तो जब तक आप राष्ट्रीय राजनीति को बहुजन पावर के साथ जब तक उसको आप कब्जा नहीं करेंगे, तब तक धम्म के शासन की तरफ, बुद्धमय भारत की तरफ आप नहीं बढ़ सकते। आपको एक होना पड़ेगा अपने अहंकार को।